फिर एक फूल ले ले और मध्य में कला में ब्रह्मा जी का ध्यान करे। ब्रह्मलायाम विष्णु ओम ब्रह्मणे नमः नीचे वाली सीढ़ी में भगवान शिव की पूजा होती है। नमस्ते रुद्रमणि ओम अधम मेखलायाम रुद्राय नमः रुद्रम पूजयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि कुंड योनि उसमें कपड़ा उसी में एक फूल चढ़ाइए। ये योनि है अम्बे अम्बे कुंड योनि नमः कुंड योनि पूजयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नवग्रह की लकड़ी है अब जो है हाथ में फिर एक फूल लेकर कुंड नाभि की पूजा कुंड के अंदर में छोड़ दें। ओम कुंड नाभ्य नमः कुंड नाभिम पूजयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब कुंड में वास्तु पुरुष की पूजा करें। वास्तु भगवान का वास्तु ऊपर में घी का भर दिए उसमें बसोर धारा पूजन ओम बसो पवित्र पूजयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ये सामने रखे ब्रह्मा जी का पूजन करें। ये चावल रखा हुआ है ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रदवाम ओम कुसुमय ब्रह्मणे नमः ब्रह्मानं पूजयामि इसमें गमला में ओम ब्रह्मानं पूजयामि कुसुमय ब्रह्मणे नमः कुसुमय ब्रह्मणे नमः। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। बोलिए ओम बोलिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्पलोक पितामह तथा त्वं मम यज्ञेस्मिन् ब्रह्मा भव द्विजोत्तम कुसुमय ब्रह्मणे नमः। अब हाथ में पुष्प लेकर अग्नि का ध्यान करें। अग्निदेव की पूजा करें। भगवान अग्निदेव की पूजा करें। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षणे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रवेति महो देवो मर्त्या ओम गुरुभुवस्वः कुंड में ओम कुंडाग्नये नमः कुंडाग्निं पूजयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चार बार सामने में थोड़ा घी डालिए चार बार हो। पादयो पाद्यम हस्तयो रक्त्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि ओम अग्नये नमः। आज उनके सामने में देखी उन लोग बैठे हैं ना उन लोगों के सामने अग्ने नमः। आप सभी लोग हाथ जोड़ लें। अब दिया सबको ऊपर में रख दीजिए वहां पे उधर घुमा के रख दीजिए। सब दिया ऊपर में रखें। सभी दिया को ऊपर में रखें। अग्निम प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुतासनं सुवर्णवर्णं अमलं समृद्धं विश्वतो मुखं ओम अग्नये नमः। अब प्रोक्षणी प्रणीता दो टो रख दिया सिकोरा हो सामने में। अब हम लोग आज संक्षिप्त आहुति और आरती भी करेंगे क्योंकि कथा का भी समय होगी। तब तक मंच वंच सब ठीक ठाक हो। 7:30 बजे से यज्ञाचार्य जी के मुखारविंद से आप लोग कथा श्रवण करेंगे संगीतमय कथा। अतः समस्त ग्रामवासियों से अनुरोध है कि वे लोग कथा में उपस्थित होंगे। इस समय जिन श्रद्धालु भक्तों को आरती में भाग लेना हो वो वे लोग भी
यज्ञशाला के चारों तरफ आकर खड़े हो जाए, आरती विभाग में आहुति दें। ओम प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये उसमें एक गुण गिरावे गिरवाइएगा, इदम प्रजापतये नमः, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, ओम भू स्वाहा, इदम अग्नये नमः, ओम भुव स्वाहा, इदम वायवे नमः, ओम स्व स्वाहा, इदम सूर्याय नमः, ओम भूर्भुव स्व स्वाहा। आदर से ठीक इसी प्रकार से ये अग्निदेव में दे, और जिस देवता के नाम से हम लोग स्वाहा कहेंगे या आहुति वहां तक जाएगा। जैसे हम लोग के भारत में अभी डाक विभाग है ना, यहाँ चिट्ठी डालो तो दिल्ली पहुंच जाएगी, इसी प्रकार से ये अग्निदेव जो है ये कार्य करते हैं। देवता और पितर दो होते हैं ना, तो देव विभाग में स्वाहा और देवताओं के लिए स्वदा, पितरों के लिए स्वदा, इस प्रकार से हम लोग स्वाहा का उच्चारण करें होते हैं। ओमाग्ने ऐसे तो नहीं, हाँ ऐसे तीन बार केवल गिने, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा। सभी लोग साकल्य आगे बढ़ाकर एक जगह रख दे, पत्तल में रखने दे, एक जगह रख दीजिए, आगे बढ़ा बढ़ा कर रख दीजिए। आरती की तैयारी करें, आज संक्षिप्त आरती भी होगी, कल हम लोग संगीत में आरती भी करेंगे, परंतु आज सारे पंडित और हमारे यजमान जी लोग भी थक गए हैं, आज दिन भर का कार्यक्रम हो गया है।